भगवान वाल्मीकि जी के बारे में अभद्र टिप्पणी के केस में बुरी तरह फंसी बॉलीवुड आइटम गर्ल राखी सावंत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वीरवार को इसी मामले में लुधियाना की माननीय विश्व गुप्ता की अदालत में चल रहे केस में सुनवाई के एक दिन पहले ही राखी सावंत ने मीडिया से बचते बचाते बुरके में कोर्ट पहुंचकर आत्मसमर्पण किया था तथा अपनी जमानत करवाकर 10 मिनट में निकल गई थी। माननीय जज द्वारा राखी सावंत को आज केस की तारीख होने के कारण पुनः उपस्थित रहने के आदेश सुनाए थे। आज पूरा दिन मीडिया अदालत के बाहर अपने कैमरे लेकर जमा रहा, लेकिन राखी सावंत अदालत नहीं पहुंची, जिसके बाद माननीय अदालत ने उपयुक्त फैसला सुनाया तथा इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त तय कर दी। आज हमारे एक क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 295 ए के तहत माननीय अदालत श्री विश्व गुप्ता GMS लुधियाना में दायर की थी, जिसके संबंध में कल राखी ने सबसे छुपते छुपाते बुरके में आके अपनी जमानत तो ले ली थी, पर आज उसने ऑर्डर के मुताबिक अपना श्योरिटी बॉन्ड लोकल सबमिट करना था, पर वो आज अदालत में पेश नहीं हुई। 4 बजे तक वेट करने के बाद अदालत ने उसके बेल एप्लीकेशन कैंसिल कर दी है और उसके कल जमा कराए गए बॉन्ड भी कैंसिल कर दिए हैं, पर उसने आज लोकल बॉन्ड जमा नहीं करवाए और कल जिसने उसकी जमानत दी थी उसको भी नोटिस कर दिया है। नेक्स्ट डेट 7 अगस्त 2017 फिक्स की गई है और उसके दोबारा से अदालत ने अरेस्ट वारंट इशू करते हुए पुलिस कमीशन लुधियाना को हुक्म सुनाए हैं कि वो इन वारंटों को तमील करेंगे और इस बार मुझे लगता है कि वो काफ़ी मुश्किल में आ जाएगी और हो सकता है उसको अंदर भी जाना पड़े। जागती लाइव के लिए लुधियाना से अर्जिंदर रोड़ा की रिपोर्ट।